हेलो एवरीवन, एजिंग किसे पसंद है? एजिंग किसी को भी पसंद नहीं है। एजिंग सबका मन करता है कि एजिंग को हम जितना डिले कर सके तो वो हम कर लें। एजिंग के साइंस क्या हैं? सबसे पहले एजिंग के साइंस आते हैं हमारे फेस पे, नेक पे, स्पेशली अराउंड द आईज, एंड जो हम देखते हैं वो होते हैं रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। अब क्या करना चाहिए इससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड ये होते क्यों हैं। फेस का जो एरिया है वहाँ पर मेनली दो तरह की मसल्स होती हैं, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन यानी वो मसल्स जो चूइंग में हेल्प करती हैं, एंड सेकेंडली मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, वो मसल्स जो आपके फेस के एक्सप्रेशंस में हेल्प करती हैं। फेस की मसल्स जो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं आपके बॉडी की मसल्स से, बिकॉज बॉडी के मसल्स पे बोनी अटैचमेंट्स होते हैं एंड टू एंड। तो आपको जो फेस पे कंसर्न आएंगे वो कभी भी बॉडी पे कंसर्न्स नहीं आते इन टर्म्स ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स सो अर्ली इन लाइफ। जैसे जैसे दिन में हम कितने सारे एक्सप्रेशंस करते हैं, वही एक्सप्रेशंस जब हमारी मसल्स मूव करती हैं वो स्किन को अपने साथ खींचती है। तो आप देखो कि दिन में वो कितनी ज़्यादा मूवमेंट कर रही होगी, सुबह से लेके शाम तक एक्सप्रेशन की मूवमेंट, राइट? उसकी वजह से हमारे फेस पे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आते हैं एक एज के बाद, क्योंकि स्किन का मॉइस्चर लेवल जो स्किन की इलास्टिसिटी कम होनी शुरू हो जाती है कोलेजन ब्रेक डाउन की वजह से। इसीलिए फेस को एक बहुत डिफरेंट तरीके से हम ट्रीट करते हैं जब हम फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के बारे में बात करते हैं। अब आप क्या कर सकते हो? दो तीन चीज़ें ही कर सकते हो। या तो एक्सप्रेशन लेस हो जाओ, दिन भर कोई एक्सप्रेशन मत दो, बिल्कुल ऐसे ही रहो तो आपकी मसल्स मूव नहीं करेंगी तो उसके साथ स्किन मूव नहीं करेगी और आपको फाइन लाइंस रिंकल्स आएंगे नहीं। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। डे टू डे हमारी लाइफ ही हमारे एक्सप्रेशंस के अराउंड मूव करती है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, स्किन में हमेशा इतना कोलाजन रखो कि अगर वो मूव भी कर रही है तो अपनी इलास्टिसिटी लूज नहीं कर रही। ये भी एजिंग के साथ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ब्रेक डाउन होता है। और कोलाजन सप्लीमेंट्स भी एक लिमिट तक, इनफैक्ट सिर्फ मरीन कोलाजन ही ऐसा है जो एक लिमिट तक हेल्प करता है। बाकी एजिंग प्रोसेस की वजह से, फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से कोलाजन एंड इलास्टिन जो स्किन की मेन प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड होती ही हैं। तो अब क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मसल रिलैक्सेशन ही एक लॉन्ग टर्म और एक प्रिडिक्टेबल ऑल्टरनेटिव है आपकी इस प्रॉब्लम का। क्या कर सकते हैं हम? बोटॉक्स और बोटुलिनम टॉक्सिन जैसे इन न्यूरोट्रांसमिटर्स को यूज़ कर सकते हैं जो मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जब मसल रिलैक्स होती है तो एक्सेसिव मूवमेंट नहीं हो पाती। इसका मतलब ये नहीं कि आप मूवी नहीं कर पाओगे। मेनली आपके अपर एरियाज में बोटॉक्स किया जाता है। बोटॉक्स एक ट्रेड नेम है जुविडर्म एलर्गन। मेन जो हमारा बेस केमिकल रहता है वो है बोटुलिनम टॉक्सिन। तो जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं मसल्स के अंदर, मसल्स रिलैक्सेशन फेज में चले जाते हैं। तो जब आप अपने फोरहेड को लिफ्ट करोगे, आईब्रोज को लिफ्ट करोगे तो रिंकलिंग नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले रिंकलिंग आती है बिकॉज ऑफ द थिन सबक्यूटेनियस टिश्यू। यहाँ आप टच करो, देखो बिल्कुल बोन पे है, तो यहाँ सबसे पहले रिंकलिंग आती है। अंडर आई एरियाज, क्रोस फीट, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ सबसे पहले साइंस आते हैं। इसीलिए यहाँ के लिए बोटॉक्स और बोटुलिनम टॉक्सिन एक बहुत ईजी ऑल्टरनेटिव है आपको एज लेस बनाने का या एजिंग ग्रेसफुली। बोटुलिनम टॉक्सिन इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। डोंट गेट स्केयर्ड बाय इट एंड डोंट गेट मिसलेड बाय द मिथ्स अराउंड बोटुलिनम टॉक्सिन। स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपके कोई भी इस तरह के क्वेश्चन हैं बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स के अराउंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए एंड मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगी। सो किस चीज़ की वेट है? Start getting ageless.